मायरा फैशन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर। भैया देखिए, शिकायत करने तो हम अब जा रहे हैं थाने में, लिखित में शिकायत करेंगे। कल मैं मेरी ताई जी का फ्लैट यहाँ संभालने आया था, उन्होंने मुझे बोला था बेटा एक बार फ्लैट संभालिया। तो मैं यहाँ पे जब पहुँचा तो मैंने देखा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैंने इनसे पूछा भैया किस चीज़ का कर रहे, तो उन्होंने बोला भैया आसपास में लोग खाली प्लॉट से बाथरूम करते तो अपने यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय बना रहे। मैंने इसका अधिकार आपको किसने दिया, तो बोले भैया जिनका फ्लैट है ऊपर उन्होंने अपन को इसकी परमिशन दी है। आज जब हमने उनको फ़ोन किया तो बोले भैया हटा देंगे, देख लेंगे, कर लेंगे, तो ये तो एक गलत तरह का उन्होंने हमें मैसेज दिया है कि देख लेंगे। भाई आज हम जब उनको बोल रहे हैं काम रोक दीजिए, उनकी लेबर हमें बोलती है बोले भैया आप नीचे मत उतरिए, टाइल ख़राब हो जाएगी। सेकेंडरी आज हमारी नीचे पार्किंग है, हमारी रजिस्ट्री में लिखा रहा है कि ये पार्किंग है, उसके लिए भी इन्होंने उसको तोड़ के कमरा बना दिया, बोलते हैं इसमें लाइब्रेरी खुलेगी। आज जब हमारे पास टू व्हीलर्स है, फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर तो चले हम बाहर खड़े करते, टू व्हीलर कहाँ खड़ी करेंगे। सेकेंड आज जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो इन्होंने पूरे पैसेज में उन्होंने खुद का गोदाम बना के माल रख दिया। भाई आज जब यहाँ पे हमारी ताई जी अकेली रहती है, उनके बच्चे आते हैं, मेरी कज़न सिस्टर्स आती हैं, वो जाएंगे तो उनके लिए रास्ता क्या रहेगा। फिर यहाँ पे कई बार गलत लोग भी आते हैं, हमने इसकी शिकायत करी, बोले भैया मैं हटवा दूंगा, देख लूँगा, कर लूँगा। तो इसके लिए आज हमने जब उनको बोला तो बोले भैया, तो आज हमें आखिरी में ये जाके हमारे पास रहा कि हम एक बार लिखित में शिकायत थाने में देंगे और ये जो अवैध बना है इसको तोड़वाएंगे। हाँ, नीचे का कमर्शियल है, ऊपर हमने फ्लैट्स लिए थे और पीछे जो शॉप है उसमें उनकी शॉप है और ऊपर हमारा फ्लैट है और हमें उससे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। करण बंसल, क्या हुआ माता जी, क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को यहाँ? भैया नीचे ही हमारी पार्किंग है, ऊपर हमारा फ्लैट है और उसमें इन्होंने क्या करा, पार्किंग को बंद कर दिया है और ये लाइब्रेरी पता नहीं क्या बना रहे हैं और बाहर इन्होंने बाथरूम बना दिया। जब बाथरूम बनाएंगे, बाथरूम आएगा तो हमारे ऊपर फ्लैट पर बदबू नहीं आएगी क्या? और सामने बाथरूम बनाने का तो कोई वही नहीं है। और जब हमने कहा तो हमको पुलिस की धमकियाँ दे रहे हैं कि हाँ ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो कितने समय से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? वह हमको 5 साल हो गए, 2014 में मकान लिया था हमने। अच्छा। लेकिन मैं, मेरे हस्बैंड नहीं है इसलिए मैं कभी कभी बेटों के पास जाती हूँ, कभी यहाँ रहती हूँ। नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी, मैं पीछे से मेरे मकान का जो भी है पार्किंग का ये लोग अपना कब्जा कर लेंगे। बिल्डिंग का मालिक कौन है? बिल्डिंग का एक फ्लैट के मैं मालिक हूँ, एक ऊपर वाले हैं, तो ये पुष्पलता वो हैं, मतलब क्या ना कुलश्रेष्ठ वो आ रही हैं, वो हैं। ये कौन कर रहा है, अवैध तरीके से कर ये? अब ये जो आगे के साइड वो टाइल्स वाले रहते हैं ना, ये जो भी बोर्ड लगा हुआ है इनसे पूछो कौन है ये आगे, जो कहीं अजय वाले हैं, मैं तो नाम ले देती हूँ उसका, अजय का यूज उसे है, वो बनवा रहे हैं। उन्होंने हमारे पार्किंग में पहले टाइल्स बोर्ड रखी थी तो मैंने मना किया था, तो फिर उन्होंने कहा कि हम निकलवा लेंगे और अभी भी उन्होंने नहीं करा और उन्होंने तोड़वा के बिना हमसे मना पूछा और बना दिया भाई पार्किंग को, मतलब कब्जा कर रही है। कमलेश गुप्ता, पहले बोला मकान जो है ये सफाई करवा रहे हैं, है ना, फिर पता ही नहीं लगा, एक दिन में एक बार उतरती नीचे तो यहाँ पे कुछ बनना है, यहाँ पे कुछ बनना है, तो पता ही नहीं चला कि बाथरूम बनना है। फिर वो तो भाई ने बोला कि आंटी वो तो बाथरूम बनना है वहाँ पे, तब फिर मैंने कहा अब इनसे बात करो तो बात करने के आते ही नहीं, हम तो नीचे उतर के जाते भी हैं तो कोई दुआ सलाम ही नहीं करते, तो हम क्यों जाए आगे हो क्या, और इतने आदमी लोग रहते हैं यहाँ पे। आप लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई इसके लिए? अब कराएंगे, अभी कराएंगे। हाँ नहीं, आपत्ति तो दर्ज है, हमको पता ही होगा, अब कराएंगे क्योंकि ये क्या है, मतलब माँ बेटियाँ दोनों रहती हैं, कोई जेंट्स ज़्यादा रहता नहीं। इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो इन लोगों ने उनको दबा दिया कि वहाँ पुलिस में हमारी जान पहचान है, जो मैं कराना तो करा लो। इन्होंने मुझे गलती इन्होंने की, मुझे खबर नहीं करी। कल मैंने, मेरा कोई मिलने वाला आया था, मैंने मकान दिखाया था तो उसने आके मुझे खबर करी, तो मैं तुरंत आई हूँ आपत्ति, तो अब आपत्ति दर्ज कराएंगे। ये रहती है सुबह 6:30 बजे से और 3:30 बजे आती है और ऊपर, और इन्होंने हमारी जो छत है, छत पे इन्होंने वो क्या कहता है लव पॉइंट बना रखा है, वहाँ पर लड़के लड़की आते हैं बैठते हैं आराम से और उसी के नीचे ये लव बना रहे, तो मतलब हमको इसमें इनको मना कर रहा फिर भी नहीं माने और ये ऊपर वहाँ भेजते हैं।